देखिए, पहली बात तो मैं आपको आपके माध्यम से सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हाजीपुर माधवपुर पर जो सई नदी पर पुल का निर्माण है, इसकी मांग आज़ादी के बाद से ही चल रही थी। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, लगभग 100 सालों से लोग वहाँ पर आज भी नाव से इस तरफ से उस तरफ जाने का उन लोगों का संसाधन उपलब्ध है। इसके अलावा कोई साधन उनका ऐसा नहीं कि वो नदी पार कर सके। और अगर नदी पार करने के लिए वहाँ के लोगों को जाना होता तो लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय करके वो लोग मटेरवा चौराहे से होते हुए जाते हैं या फिर दूसरा रास्ता प्रतापगढ़ की ओर से जाता है। और मेरे पिताजी के विधायक रहते भी इस पर काफ़ी पहल की गई, काफ़ी मेहनत की गई। उस समय वो पुल पास भी हो गया लगभग लगभग, लेकिन अकाल कारण उनकी मृत्यु होने की वजह से, कोरोना की वजह से, उस फाइल को कोई परस्यू करने वाला नहीं था, तो वो पुल फिर से एक बार कैंसिल हो गया था। लेकिन इस बार मेरे विधायक बनने के बाद से हम लोगों ने पूरी मेहनत के साथ शासन से और सरकार से पूरा समन्वय बनाते हुए, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबकी सांसद आदरणीय दीदी स्मृति ईरानी जी की मदद से ये बहुत बड़ा काम संभव हो पाया है। और मेरी विधानसभा के लिए एक बड़ी सौगात है कि आज़ादी के बाद से जिस गांव में आज भी लोग नदी से पार करने के लिए, नदी से नाव से पार करने के लिए मजबूर थे, उनको वहाँ पर अब एक बढ़िया अच्छा सा पुल मिलने जा रहा है। और जिसकी सबसे बड़ी मेहनतकर्ता जो हमारी है, वो है हमारी दीदी स्मृति जी। मैंने प्रस्ताव दिया, दीदी ने भी अपना पत्र लिखा। लगातार हम लोग शासन में सभी अधिकारियों से संपर्क में रहे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस स्तर पर भी, जहाँ पर भी जरूरत हुई, मेरे अनुरोध पर दीदी ने हर अधिकारी से बात की, हर मंत्री से बात की, और पूरी लगन के साथ उन्होंने इसमें कोई कोताही नहीं छोड़ी कि इस बार ये पुल किसी भी कारण से रुक जाता। तो मैं सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को देता हूं तो मैं आदरणीय दीदी स्मृति ईरानी जी को इसका श्रेय देना चाहूंगा। मेरी जनता, जो तो सलोन विधानसभा की हमारी जनता है, उनका आशीर्वाद और प्रेम और स्नेह इसी तरह उन पर भी बना रहे, मुझ पर भी बना रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ पूरे क्षेत्रवासियों को, हाजीपुर माधवपुर के सभी ग्रामवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और लगभग 18 करोड़ से अधिक की लागत का ये पुल जो स्वीकृत हुआ है, इसके लिए मैं आदरणीय दीदी को और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं, मेरा परिवार, मेरे पूरी क्षेत्र की जनता आजीवन इस काम के लिए दीदी की और मुख्यमंत्री जी की आभारी रहेगी।